इस बच्चे के बीच में दे, देखो दोस्तों इसके इसके शरीर में गोरिल्ला आता है। देखो गोरिल्ला हमारे गाय में घुस गया है। साइड को रख दो मामा, उस साइड गाड़ी कुचल डालेंगे उसको, साइड को कर दो। मामा हिम्नो चला है, मामा हिम्नो चला है। कितने बच्चे देंगी बोल जल्दी। ये देखो दोस्तों इतने इतने बच्चे आएंगे उसके, एकदम छोटे छोटे। वो बकरी कितना बच्चा है? रुको सूरज भाई मेरे पर चिल्ला रहे हैं। अरे जय टमाटर, कितना मिल्किंग बाकी? 1 2 3 4 5। तो इंग्लिश बोलने लग गए। इंग्लिश कहाँ तक गिन लेता है? इंग्लिश 10 तक। वाह यार, टैलेंट है यार तेरे में यार, बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंट है। ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 के आगे क्या आता है? पता नहीं यार, 11 आता है। 11 आता है क्या? 11 फिर क्या आता है? फिर क्या आता है पता नहीं यार। ना पापा को और मम्मी को छोड़ने जाना है यार, और नासिक छोड़ने जाऊँ यहाँ आगे चौकड़ी वहाँ पे छोड़ दूँ? ये चौकड़ी से मिल जाएगा कोई? हाँ चौकड़ी से मिल जाएगा। फटाफट से छोड़ के आते हैं, और अभी से आपा जो गुजरात जा रहे हैं अभी से भाई ये पूरा रात का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। अभी चाहे ऐसे कोई गाय बच्चा देने वाली है नहीं फिलहाल, अभी तो कोई टेंशन है नहीं, सिर्फ हमारी बकरी एक है, बस उसका एक ध्यान रखना है। तू दस मलक मा हाँ ना, ये भी जा रहा है लेकिन इसके साथ ना इंसाफी होने वाली है क्योंकि इसको कोई लेके नहीं जाने वाला, वैसे इसको हिंदी कम समझ में आती है। तन्ना ले जाना, ले जाना है तीनों दास तुम। अरे वाह, तीनों को एक को लेके जा रहे हैं। इसको मैं लेके जाता हूँ और इसको पपड़ मामा लेके जाने वाले हैं। देख भाई तेरे को नहीं आना है, तराऊ है इसको तो लेके जाना है, इसको नहीं लेके जाना है, लेकिन अभी इसको पता नहीं है, इसको लगता है मुझे लेके जाने वाले। हाल बेटा चलो इसको वापस लेके आएंगे, बढ़िया। अभी बैठ गए, अभी चला, आधा हिंदी आधा मराठी। आता ये बैठती, आता तू बैठती, आता कूड़ा बस वीड़ा बस बस, क्योंकि वहां से अगर गाड़ी नहीं मिली तो हमें नासिक जाना पड़ेगा। क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से यार? सामान सामान ये वीडियो। अबे तेरे को नहीं जाना है। अरे 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 तू नीचे उतर जा, तू वाली गाड़ी में, उली गाड़ी में तू। अरे आने प्लेंडर में लेता हो, हरिओ आवा है, तेरा बाप आ रहा है उसके साथ आ तू। इसको लेके तू पीछे से गाड़ी में आ। हाँ इसको लेके आता मैं। हाँ लेके आ इसको। ओके आर्यन पिस्तौल है। ओके चलो, हाँ वो आएगा, हम अभी जाओ चलो। हेलो रे कावत्र, बोल कावत्र के चलो मामा आ गया। फिलहाल जो है कि हमारे घर से ये 4 किलोमीटर फाटा चौकड़ी पड़ती है, यहाँ पे आए थे लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी हमें जाना पड़ेगा नासिक। नासिक है यहाँ से 20 किलोमीटर के आजू बाजू हमें जाना है, डायरेक्ट अंदर नहीं जाना है नासिक। बस स्टॉप जहाँ से गुजरात की बस निकलती है वो यहाँ से 18 किलोमीटर है, तो वहाँ तक छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अब जो है कि मामा को यहाँ पे लेना है ड्रेस। ये दोनों मामा अच्छे हैं ना? फाइनली मामा बिलिंग करा रहे हैं और इस ड्रेस का भी पैसा भी मामा ही दे रहे हैं। टाइम पास करते करते आए थे दोस्तों, और 2000 का चुना तो नहीं बोल सकते ऐसा, शूज लिया, एक ड्रेस कपड़ा लिया। साइड को रख दो मामा, उस साइड तो जो मामा क्या ऑन रोड है मामा, उल साइड कितने गाड़ी कुचल डालेंगे उसको, साइड को कर दो। मामा हिम्नो चला है, मामा हिम्नो चला है।
फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी आ गए हैं हम घर पे। बहुत सारी गाय के आगे जो है इट्टा पाई से ही पड़े हैं, और पशु आहार भी नहीं खाया भाई इसने तो। और देखिए वो वहाँ पे उल्टा पड़ा है, इनका दोस्तों काम ही ऐसा है, फिर जो है कि पैर रख के फोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं टप फूट गए हैं, टप लेके आओ नहीं। चलो दोस्तों तो अभी जो है कि सो जाते हैं, अपा को जो है कि बस में बिठा दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली जो है कि अभी इस डे के बज रहे हैं कंप्लीट 7, मिल्किंग वगैरह लगभग जो है कि हो गए हैं। मैंने नहीं की है ये, मैं समझना आपके भाई आपने मिल्किंग की है, मिल्किंग मैंने नहीं की है। फिलहाल जो है कि मैं आज थोड़ा लेट उठा था, सुबह मैं कम ही उठता हूँ, सुबह थोड़ा लेट ही उठता हूँ मैं। फिलहाल जो है कि सूरज भाई यहाँ पर कर रहा है मिल्किंग अपने गौरी गाय की। मेरा और महेश भाई का झगड़ा हो गया है कल, तो कल से जो है कि मेरे साथ महेश भाई बात नहीं कर रहा, सुबह सुबह चाय पिया है, झूठ नहीं बोलूंगा आपके साथ। तो हरी भाई के साथ भी झगड़ा हो गया। हाँ, और हरी भाई के साथ भी झगड़ा हो गया, तो दोनों जो है कि मेरे साथ बात नहीं कर रहे, और मुझे दोनों ये बोल रहे हैं कि तू घर छोड़ के चले जा, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अब आप ही बताओ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे गड़बड़ हो गया है, तो भी ये भी हमारा जो मैटर है वो भी सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि महेश भाई भी बात नहीं कर रहा है, हरी भाई भी बात नहीं कर रहा है, हरी दोनों मेरे को बोल रहे थे। ये तो मेरे को कल ही बोल रहा था, बोले तू जूनागढ़ चला जा, बोले वहाँ पे तेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तू जूनागढ़ चला जा और वहाँ जाके साधु बन जा। और सीरियसली ये झूठ नहीं बोल रहा मैं। सूरज भाई बोला था कि नहीं? अरे सूरज भाई बोला था, बोला था ना। और देखो कैसे हंस रहा हूँ। झगड़ा महेश भाई का और मेरा झगड़ा कल 4 बजे हुआ था। काबरी काबरी ब्लैकी हट, बहुत दिन से देख रहा हूँ भाई। ये देखो ब्लैक के गले में रस्सी तोड़ दी है, और किसी ने की भी नहीं है। सूरज भाई वो बहुत रोता है। बहुत रोता है? कब रोता है? वो बहुत डर जाता है। तू चल मेरे पीछे पीछे, आजा चल, आजा आजा। ये नहीं डरता है, वो बहुत डरता है, ये नहीं डरता। अभी इसको भी डर आता, देखो वो तो सामने से आ रहा है। ये नहीं डरता है, ये बहुत खतरनाक है, ये डर जाता है। अरे आ जाओ कहीं ना फिर। देखो सही में गोरिल्ला लग रहा है, वैसे भी शरीर से तो है ही, और ऐसा अगर देखा जाए ना तो सही में दोस्तों गोरिल्ला लग रहा है। कमेंट करके बताओ भाई सही में गोरिल्ला लग रहा है या नहीं। ये कुछ भी बोलता है दोस्तों, सही में लग रहा है या नहीं आप कमेंट करके बताओ यार, इतना झूठ मत बोलना, सही सही कमेंट कर दो आप, गोरिल्ला लगता है या नहीं। ठीक है ये देखो दोस्तों, ये भी गोरिल्ला लगी है। ये तो महा गोरिल्ला है, ये देखो है क्या गोरिल्ला दोस्तों। देखो दोस्तों इसके इसके शरीर में गोरिल्ला आता है। वो नहीं डरता, आर्यन बहुत डरता है। ये नहीं डरता दोस्तों, लेकिन वो बहुत डरता है। फिर एक आंख नीचे चल गई, ऊपर कर गोरिल्ला देखेंगे। चलो अभी किसको डराने का है? गाय डरेंगे? गाय नहीं डरेंगे, गाय क्या डरते तेरे से। अपना लालू बहुत डरता है, लालू बहुत डरता है। अब इधर दिखाते इधर पहले इधर, ये देखो ये गाय ऐसी भी खड़ी होगी, गोरिल्ला आ गया। वो गाय को पता ही नहीं तेरे मुंह पे क्या है। इस बच्चे के बीच में बैठ, देख गोरिल्ला हमारे गाय में घुस गया है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा अभी। एक भी गाय नहीं डर रही,
एक भी गाय नहीं डरती। ओ देख, ओ कुत्ता देख, कुत्ता उधर से भौंक रहा है। उस दिन रात को दोस्तों बहुत डरा था, सुरेश भाई के ब्लॉग में, गुजराती ब्लॉग में आएंगे, बहुत डर रहा था। हरी भाई और अभी महेश भाई दोनों जा रहे हैं पत्ते भरने के लिए। महेश भाई का और मेरा जो मैटर था भाई वो तो हमने सुलझा लिया है, लेकिन हरी भाई अभी तक गुस्से में है। इसमें गलती मेरी थी, कल मैंने जो है कि दोनों को डांट दिया था, दोनों बात करना बंद कर दी। तो फाइनली जो है कि दोस्तों शाम को जो है कि हम ये ड्रेस लेके आए थे और ये शूज लेके आए थे। कपड़ा कैसा लगा आप जो है कमेंट करके बताना, ऐसे कपड़े जो है कि कभी मैं पहनता नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम पहन रहे हो? और पापा मामा ने मुझे बताया कि कुछ नया ले, तो मैंने बोला ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई अभी ट्रेंड चल रहा है ये ढगाड़ा बोलती है इसको, इसका खुला पहनना, पैंट जो है एकदम ऐसे कलर की जैसे तो ऐसे लग रही है पुरानी पैंट है। वो आज नया कपड़े पहन के गाय लेके जाने वाला है। ड्रेस जो है कि भाई बहुत खुला खुला लग रहा है, तो मैं जो है कि फिट कपड़े पहनता हूँ और ये बहुत लूज लग रहा है, मुझे ये फिट करवाना पड़ेगा। वैसा पहनने के बाद भाई फुल कंफर्टेबल लग रहा है। फटाफट से गाय छोड़ना है, गाय को लिए एक राउंड के लिए लेके जाना है, लेकिन अभी सुरेश भाई जो है कि दूध लेके जाएगा, दूध दे के आने के बाद चलते हैं, क्योंकि आपा गए गुजरात, नहीं तो फिर आपा और मैं, नहीं तो आपा और महेश भाई चले जाते। आज महेश भाई और हरी भाई दोनों ट्रैक्टर भरने के लिए गए हैं, तो आज जो है कि सुरेश भाई को और मुझे गाय लेके जाना है, तो सुरेश भाई को पहले दूध लेके जाना पड़ेगा, दूध लेके आने के बाद फिर चलते हैं। चलो दोस्तों, तो बहुत लेट हो गए हैं, अभी फटाफट से जो है कि निकलते हैं, छोड़ देते हैं गाय, बहुत लेट हो गए। अभी तक अगर आपका घर पे होते तो कब का गाय लेके निकल गए होते। मिल लाठिका पे इधर है, क्या इधर है यार। चलो दोस्तों, तो फिर आज निकल गए हैं और आज जो है कि पहली बार प्याज के खेतों में नहीं जा रहे हैं, आज कुछ दूसरा खेत है, पता नहीं सुरेश भाई कहाँ पे खेत देख के आया है। ये देखो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। काबरी हे आगे आ जा, इकड़े जा इकड़े। हाँ सूरज भाई मेरे पर चिल्ला रहे हैं, अरे जय डामर फिर देख। हाँ रुक जाओ सब यहीं पे 5 मिनट, सूरज भाई को आने दो, भैंस जैसा चलता भी नहीं जल्दी से। चलो ये वाला जो खेत है भैया, ये है गन्ने का खेत, इसमें आज हमें दिन भर चराना है, आज जो है कि प्याज का खेत नहीं। ऐसे इसमें भी है गन्ना वगैरह पड़ा है, ये देखिए। हाँ अभी 15-20 दिन जो है कि टेंशन नहीं, 15-20 दिन चारा जो है कि भरपूर मिलेगा, खेत भी भरपूर मिलेगी, लेकिन बाद में फिर दिक्कत होगी। बारिश से एक महीना पहले जो है कि दिक्कत होती चारों की, फिर एक बार बारिश होने के बाद जो है कि 15-20 दिन बाद जो है कि फिर घास फूस उग जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कि दोस्तों इनको लगी है ज़बरदस्त वाली प्यास, पूरा खेत जो है कि एकदम साफ कर दिया है, गन्ना बिना सब चुन के खा लिया है। अब जो है कि लेके आ गए है प्याज के खेत में, प्याज के खेत में जो है कि ऑलरेडी पहले से भेड़ आके पूरा प्याज की पत्ती जो है उसे फिनिश कर गए थे, वो साइड पूरा खा गए, इतना बच गया था ये साइड का। तो चलो अभी ये ग्राउंड इसमें लगाएंगे, फिर चलते हैं घर पे। अब देखो घर पे जाने के लिए इनकी गाय देखना, आप कुआं आगे देखना, इसमें कोई गिरना नहीं। देखा आपने इनकी गाय, देखो। चलो दोस्तों, तो अभी आगे है घर पे, अभी फटाफट से जो है कि पहले खाना खा लेते हैं फिर नहाएंगे। फिलहाल जो है कि दोस्तों आज भाजी की है बैंगन और आलू की, और इधर है चाय दूध और इधर है घी की रोटी। अब जो है कि सब कूलर चालू करके अब सब आराम पे है। पहला पानी देख लेते, पानी है क्या नहीं, गाय को पानी पिलाया क्या नहीं महेश भाई ने। तो चलो, तो पानी तो है, फाइनली पानी तो है, महेश भाई ने पानी भी नहीं पिला लिया है, और इधर हमने ये प्याज की पत्ती भी खाली कर दी है, पर महेश भाई दिख रहा नहीं। ए महेश भाई, अभी 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 मार दिया था इसने मेरे को, चलना भाई। अरे गोटिया मारता मेरे को,
चल जल्दी वो छोटे छोटे बच्चे को प्याज की पत्ती डाल दे, वो अपन के बकरे को भी प्याज की पत्ती डाल दे, वो पीछे से थोड़ा हरा चारा लेके आओ, उन्हें से प्याज की पत्ती नहीं खाती। और पता नहीं यार जगदीश भाई का सिर दुख रहा है, वो आज क्योंकि दिन भर वो गाय लेके गया था तो इधर सो गया है। ये देखो रुको मैं उसके लिए बाम लेके आता हूँ। नहीं नहीं मेरे को सिर नहीं दुख रहा है। ऐसा है क्या? गर्मी हो रही है मेरे को। हाँ तो वो फैन लेके आता, रुक जा। बोला दो दिन पहले बोला था कि बकरी बच्चा दे रही है, अभी तक तेरी बकरी ने बच्चा नहीं दिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बकरी के पेट में बच्चा नीचे तो नहीं बैठ गया ना, तो ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। अपन डॉक्टर को कॉल करेंगे, फिर डॉक्टर को बुला लेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अरे कब की उठ बैठ कर रही हो एडे? हाँ एक आधा घंटा से उठ बैठ कर रही, कंफर्म बच्चा दे रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे पर अभी देख लू, वो देख कितने बच्चे देंगी, बोल जल्दी बोल। कितने? दो दो। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ एक, आप कमेंट कर देना कितना बच्चा देंगे। और इसके बच्चे जो है कि दोस्तों एकदम एंटिक आने वाले, एकदम छोटे छोटे आने वाले, क्योंकि जो नस्ल है ये नस्ल ही छोटी होती है बकरों की, तो इसके बच्चे एकदम छोटे छोटे आएंगे भाई, बहुत क्यूट आएंगे भाई। ये देखो दोस्तों इतने इतने बच्चे आएंगे उसके, एकदम छोटे छोटे। वो बकरी कितना बच्चा है रुको? लेकिन वो बकरी को कितना बच्चा है? वो बकरी भी बहुत बड़ी है, एक दो तीन चार पाँच। वो बकरी को दोस्तों पाँच बच्चा आया है, क्योंकि वो बकरी बड़ी है, ये बकरी बहुत छोटी है, यही नस्ल की लेकिन थोड़ी बड़ी है।